कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में आपका चल रहा था प्रॉपर्टीज़, तो इसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ है आज क्लीननेस एंड वॉश एबिलिटी, यानी कि जो धुलाई है और उसकी सफाई कॉटन की। तो देखिए, जो कॉटन के रेशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अत्यंत छोटे रेशे से बने होने के कारण जो होते हैं सूती वस्त्र की जो सतह होती है या जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है, क्योंकि जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो ट्विस्टिंग के दौरान या वीविंग के दौरान प्रॉपर तरीके से फैब्रिक के अंदर नहीं जा पाते, तो इसलिए छोटे छोटे रेशे जो होते हैं वस्त्र की सतह पर खुरदरे बने रहते हैं, तो जिसके कारण जो होती है कॉटन फैब्रिक की जो सरफेस होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है, तो धूल के कण इनमें आसानी से फंसते हैं, यानी कि इनके अंदर धूल के कण बहुत इजीली पहुंच पाते हैं और जो फैब्रिक होता है फैब्रिक को बहुत ज़्यादा जल्दी जो है गंदा कर देते हैं। फिर भी इन्हें स्वास्थ्य कर समझा जाता है, तो इसका कारण यह होता है कि अगर इन्हें हाइजीन माना जाता है तो इसका कारण भी ये होता है कि इन्हें धोना जो होता है बहुत ईजी होता है और कॉटन बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फैब्रिक होता है, तो इन्हें कितना भी रगड़ा जाए यानी इनके साथ कितनी भी फ्रिक्शन मेथड यूज़ किया जाए, पटका जाए या उनको पीटा जाए, परंतु ये इन सब से अप्रभावित रहते हैं, यानी कि रगड़ का इनके ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो इन्हें किसी भी प्रकार से सस्ते व सख्त साबुन से धोया जा सकता है, यानी कि इनके लिए कोई भी स्पेशल मेथड नहीं, स्पेशल मेथड की ज़रूरत नहीं होती है, इनको नॉर्मल मेथड से भी जो है वॉश किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें साफ व संतुलित करने के लिए बेझिझक होकर वॉश कर सकते हैं, निर्भय होकर इन्हें उबाला भी जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैब्रिक बहुत ज़्यादा गंदे या मैले हो जाते हैं या चिकना युक्त होते हैं, तो इनको गर्म पानी में कुछ समय के लिए उबाला भी जाता है ताकि इनकी चिकनाई को या इनकी गंदगी को जो है रिमूव किया जा सके, तथा इन्हें किसी भी विधि से बिना डरे बिना सावधानी के इनको इजीली जो है वॉश किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के इनकी जो सफाई होती है या धुलाई होती है वो आसान होती है, इनके लिए कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो कॉटन फैब्रिक होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है, तो इनके लिए ज़्यादा सावधानी की भी ज़रूरत जो है नहीं होती, इनको नॉर्मल मेथड से भी हम जो है वॉश कर सकते हैं, तो इनकी धुलाई और सफाई बहुत ज़्यादा ईजी होती है। फिर आता है हमारा जो अब आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़, इससे पहले वाली थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो जिसमें पहला है इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, यानी कि ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो सफ़ेद सूती वस्त्र को आसानी से बिना किसी डर के ब्लीच से किया जा सकता है, यानी इनके ऊपर ब्लीच किया जा सकता है, इन पर किसी भी प्रकार की ब्लीच की जा सकती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कॉटन जो हमारे फैब्रिक होता है कई बार ज़्यादा धूप में सुखाने के कारण भी ये पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो इनके पीलेपन को रिमूव करने के लिए हम ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं, या इनके ऊपर कोई स्ट्रेन लग जाता है वाइट फैब्रिक के ऊपर तो भी हम इनके ऊपर ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ब्लीच का जो इस्तेमाल है नॉर्मल हम कर सकते हैं, और सोडियम हाइपोक्लोराइड को घरेलू ब्लीच जो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड की घरेलू ब्लीच इनके लिए सबसे सर्वोत्तम रहती है, यानी कि सबसे बेस्ट जो होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड मानी जाती है, तो कॉटन फैब्रिक के ऊपर हम ब्लीच का भी जो है यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पीलेपन को रिमूव कर सकते हैं, स्ट्रेन्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको या ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर इसका यूज़ करते हो तो इसके फाइबर्स को हानि पहुँच सकती है, तो इसलिए इसको लिमिटेड अगर यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए कोई हानि नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ ड्राई हीट, देखिए ताप का प्रभाव कपास के रेशे में अन्य सभी रेशों की अपेक्षा ताप सहन क्षमता सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि आप उसको जो है उसके ऊपर ज़्यादा हीट का इफ़ेक्ट जो होता है वो बुरा नहीं होता है, और बहुत गर्म प्रेस से सूती वस्त्रों को प्रेस किया जा सकता है, अगर श्रिंक आती है फैब्रिक में तो श्रिंक को रिकवर करने के लिए हम जो है प्रेस की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा हीट का कॉटन फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा कोई खास इफेक्ट जो है
या हानिकारक इफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप लिमिटेड से ज़्यादा हीट अगर किसी भी फैब्रिक को देते हो तो उसके लिए वो हानिकारक है या उसके रेशे जो है कमज़ोर हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो 300 डिग्री फॉरेनहाइट तक ताप के पहुंचने के बाद सूती वस्त्र जो है झुलसने लगते हैं 300 या 400 के आगे तथा तो 475 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंचने पर जलने लगता है। यानी कि आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसके पास हीट होगी फैब्रिक के ऊपर तो वो जो फैब्रिक है वो जलने लगता है, झुलसने लगता है। तो 300 डिग्री फॉरेनहाइट तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रेस की जा सकती है 300 डिग्री फॉरेनहाइट तक जो है उसके ऊपर हीट करके जो है ज़्यादा बुरा नहीं, यानी तब तक हम उसके ऊपर आयरन या प्रेस जो है कर सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑफ मिल्ड्यू। तो देखिए सूती वस्त्रों को बहुत दिनों तक बंद स्थान पर रखने से उन पर फफूंदी जो है लग जाती है। यानी कि जो फफूंदी अगर आप कोई भी फैब्रिक या नमी वाली जगह पर या कोई अलमीरा है जिसमें नमी है दीवार की साइड से या वो बहुत दिनों तक बंद है तो उसमें जो होता है एक तरीके से फफूंदी लगने का डर रहता है या कई बार फफूंदी लग जाती है। तो फफूंदी के स्थान पर जो होती है काली चिट्टे यानी कि काले काले स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं तो तथा वस्त्र गल जाता है। थोड़ा सा गलत हो गया है, जो वस्त्र होता है वहाँ से गल जाता है या उसके जो फाइबर रेशे होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं और वो वहाँ से जो है ख़राब हो जाते हैं और वहाँ से वे गल करके वस्त्र को जो है ख़राब कर देते हैं। तो फफूंदी वाले वस्त्र में जो होती है एक दुर्गंध भी आने लगती है, यानी कि एक अजीब सी दुर्गंध जो है आने लगती है। सूती वस्त्र को नम अवस्थाओं में बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हल्की हल्की कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं कई बार गीली अवस्था में उनको रख दिया जाता है और हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि उनको जो है काफ़ी टाइम तक यूज़ ना किया जाए। तो रखी रखी क्या होता है कि उन फैब्रिक्स में जो है नमी के कारण जो है फफूंदी जो है लग जाती है। तो उन्हें सबसे पहली चीज़ है कि उन्हें सबसे पहले सूख जाने के बाद, यानी अगर वो अच्छी तरीके से अगर सूख चुके हैं तो सूख जाने पर ही इन्हें वायुरुद्ध स्थान में रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए अब जो हमारा कॉटन का टॉपिक है जिसमें मैंने आपको कॉटन के बारे में, कॉटन क्या होता है, कॉटन एक सेलुलोसिक फाइबर है, ठीक है, और जो कॉटन एक स्ट्रॉन्ग फाइबर माना जाता है लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, आधे इंच से लेकर के 2.5 इंच तक इसको माना जाता है इसकी लेंथ। इसमें भी इसकी दो कैटेगरियाँ होती हैं, एक होती है 1.5 इंच से 1.5 इंच, एक होती है 1.5 इंच से 2.5 इंच। तो ये आपकी दो तरह की मैंने लेंथ बताई है। और कॉटन का जो यूज़ है वो ज़्यादातर मोस्टली गर्मी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक हाइजीनिक फैब्रिक है। और जिसमें मैंने आपको कॉटन का एक तो इंट्रोडक्शन बताया है, आपकी हिस्ट्री हो गई है कॉटन की, जिसमें आपका कंपोजिशन है और आपकी दो तरह की मैंने इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ बताई है। एक तो होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें आपकी मान लीजिए उसकी लेंथ कितनी है, उसका लस्टर कितना है, उसकी चमक यानी कि और उसकी उसको वॉश करने के मेथड ज़्यादा स्पेशल है या नॉर्मल मेथड है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी नॉर्मल एब्जॉर्बेंसी कॉटन की बहुत बेस्ट होती है। तो जिसमें मैंने आपको कॉटन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है और साथ में इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जिसमें उसका हीट का इफेक्ट कैसा है, मिल्ड्यू का इफेक्ट कैसा है, और एक इफेक्ट और मैं बता दूँ आपको कि सनलाइट इफेक्ट। तो अगर आप ज़्यादा समय तक कॉटन को धूप में रखते हो तो क्या होता है कि वो उसका जो कलर है उसके ऊपर पीलापन जो है आने लगता है, तो उसकी जो वाइटनेस है वो ख़त्म होने लगती है। तो उस वाइटनेस को बनाए रखने के लिए उसको ज़्यादा देर तक जो है धूप में नहीं रखना चाहिए। अगर आप धूप में रखते हो तो उसके ऊपर एक पीलापन खुद आने लगता है। तो जिसमें मैंने आपको एक फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बताई है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कॉटन फाइबर किस तरीके से प्राप्त होता है और कहाँ तक वो उसका फैब्रिक जो है बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके जो आगे का टॉपिक है आपका जो है फ्लैक्स, तो फ्लैक्स जो टॉपिक है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, जिसमें मैंने आपको उसमें पूरी डिटेलिंग दूँगी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी हिस्ट्री, ठीक है। तो और अगर आपको कोई भी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जिस दिन मीटिंग में जो है ज़रूर बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है
कॉटन का वो आज यहाँ पर कब